आज की कहानी हरिद्वार की महिमा के बारे में नहीं है, हालांकि कहानी है हरिद्वार से ही। इन दिनों हरिद्वार में खुला एक गुरुकुल चर्चा का विषय बना हुआ है। ये गुरुकुल स्वामी रामदेव का आचार्य कुलम है। हालांकि आपने गुरुकुल के बारे में किस्से, कहानियों में और खासतौर से पौराणिक कथाओं में सुना होगा और खासतौर से टीवी पे देखा जरूर होगा। आज मैं कोशिश करता हूँ आपको ये बताने की, दिखाने की कि आखिर मौजूदा दौर के गुरुकुल होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं और यहाँ क्या क्या होता है। यह है स्वामी रामदेव का गुरुकुल आचार्य कुलम। बाहर से देखने पर लगता है कि जैसे नोएडा या इंदिरापुरम में बने किसी प्रतिष्ठित बिल्डर के फ्लैट हों। मैंने अब तक जो गुरुकुल टीवी पर देखा था उसमें श्री राम से लेकर श्री कृष्ण जिस गुरुकुल में पढ़े वहां इमारत नहीं कुटिया थी। इमारत के अंदर घुसते ही रिसेप्शन पर बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आपको दर्शन देंगे। सुबह 6:15 का वक्त है और यहाँ पर ये 5वीं-6वीं क्लास के बच्चे हैं और इनका योगा चल रहा है। और ये बहुत जाहिर भी है कि क्योंकि स्वामी रामदेव जो हैं योग गुरु हैं तो अपने आचार्य कुल में, गुरुकुल में योगा तो जरूर सिखाएंगे। योग करते हुए केवल लड़के ही दिख रहे हैं। पूछा तो पता चला कि ये लड़कों का गुरुकुल है। लड़कियों का गुरुकुल दूसरी इमारत में है। गुरुकुल की मर्यादा है लड़का और लड़की साथ नहीं पढ़ सकते। तो मैं लड़कियों के गुरुकुल में चला आया। लड़कियां अभी हवन कर रही हैं। हमने अलग अलग व्यवस्था की हुई है। हाँ। जैसे कि जो वैदिक प्राचीन काल में था। हाँ। कन्याओं के लिए अलग शिक्षा की व्यवस्था थी और बालक के लिए अलग व्यवस्था थी। हाँ। उसी व्यवस्था के तहत हम लोगों ने कन्याओं के लिए पूरी तरह से अलग और बालकों के लिए पूरी तरह से अलग अलग, बालक और बालिका का यह अलग अलग शिक्षण व्यवस्था हमने की है। अच्छा, नहीं हॉस्टल भी इनका अलग है और सभी व्यवस्थाएं, टोटल व्यवस्थाएं, हॉस्टल भी अलग है, दिनचर्या भी अलग होगी, ग्राउंड खेलने का ग्राउंड भी अलग है। हाँ। रहने की व्यवस्था भी अलग है, इवन हमारा जो टीचिंग स्टाफ है वो भी सब अलग अलग है। तो लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए ज़्यादातर सारा स्टाफ जो है वो महिलाएं हैं। हाँ। माताएं बहनें हैं। तो इसी तरह से बालकों के लिए जो है वह हमारा पूरा स्टाफ जो है वो पुरुष है। वैसे इस बात पर भी अच्छी बहस की जा सकती है कि आज के इंस्टेंट मैसेज के इस युग में भी लड़का और लड़की को साथ क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन रिपोर्टर का काम सिर्फ रिपोर्ट करना होता है। खैर, अब वापस लड़कों के गुरुकुल में चलता हूं, क्योंकि लड़कियों के गुरुकुल में ऐसे घूमना आपत्तिजनक हो सकता है। वेदों के पाठ करते ये आज के ब्रह्मचारी हैं। इनको दो नियम का पालन करना होता है, सुबह शाम साधना और मांस निषेध। यहाँ की फीस सालाना 1.25 लाख रुपए है। चलिए पता करें कि आखिर ये किसके बच्चे हैं जो इतनी रकम चुकाकर ब्रह्मचारी बनकर अपने घर से इतनी दूर शिक्षा हासिल करने आए हैं। कहाँ के रहने वाले हो भाई? मैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आए हो? महाराष्ट्र में कहाँ से? लातूर से आए हो। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं आपके? बिजनेसमैन है। अच्छा, तो उन्होंने यहाँ छोड़ दिया कि अब तुम यहीं पढ़ो? मेरे पापा तो मन लग जाता है यहाँ पर? मजा आता है खेलने। अच्छा, खेलने की व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था, सब बहुत अच्छी व्यवस्था, बढ़िया, सबकी बहुत अच्छी, सारी बढ़िया व्यवस्था है। अच्छा, गर्मी हो रही है? गर्मी तो नहीं लगती यहाँ पर? अच्छा, एयर कूल्ड है। अच्छा, एसी भी है। इस गुरुकुल में बिजनेसमैन, दूसरे स्कूलों के प्रिंसिपल के साथ साथ स्वामी रामदेव के सहयोगियों के बच्चे भी पढ़ते हैं। जो इससे पहले पढ़ा करते थे वहाँ तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ये सब चला करता होगा, तो वहाँ से और यहाँ पे में क्या फर्क आया? बहुत फर्क है। अच्छा, मतलब पूरे दिन में कब तक वेद की पढ़ाई चलती है और कब जो है? 12 बजे तक संस्कृत पढ़ाई जाती है और शाम को उसके बाद इंग्लिश। तो क्या क्या बनना चाहते हैं यहाँ पर आ जाएगा?
अरे कलेक्टर बनोगे? इंजीनियर। अरे तुम भी इंजीनियर बनोगे? अरे क्या रिपोर्टर भी बनोगे? अरे रिपोर्टर मत बनना भाई। हाँ क्या बनोगे भाई? मैं आर्मी का हेड बनूंगा। आर्मी का हेड? मैं भी। अरे बाबा रामदेव जी की तरह। अच्छा अच्छा, स्वामी रामदेव जी को जो है बड़ा मानते हैं आप लोग हैं? अच्छा, सपना पूरा करेंगे। कितनी उम्र होगी भाई आपकी? 9 साल होगी? 8-9 साल? हाँ, है 8 साल? 8 साल 9 साल? अच्छा, हाँ। और करप्शन मिटाओगे सारे? हैं करप्शन क्या होता पता है? काला धन। अच्छा, 400 लाख करोड़। अरे आपको काले धन के बारे में सब क्या, कहाँ पढ़ा आपने काले धन के बारे में? अच्छा, तो आप भी बाबा रामदेव के साथ शामिल होंगे इस मुहिम में? अच्छा, हम चाहे कलेक्टर बन जाए तो भी हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे और बाबा रामदेव के साथ चलेंगे। बच्चों से बात करके लगा कि शायद गुरुकुल में रामदेव की सेना तैयार हो रही है। वैसे ये बात भी तय है कि इनके माता पिता रामदेव से प्रभावित हैं, तभी तो यहाँ भेजा है। वैसे मेरे लिए 1.25 लाख रुपए की फीस बड़ा मुद्दा है, इसलिए एक बार चलकर देखा जाए कि और क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ। तो एक रूम में आप 4 लोग रहते हैं? ये रूम जो है किसी एक होटल के कमरे से कम नहीं लग रहा है। स्पेस भी अच्छा खासा है और ज़मीन पे टाइलें लगी हुई हैं और एसी, क्या एसी चलता है? कूलर है, कूलर है। अच्छा कूलर है ये? अच्छा, इसमें कूलर भी लगा हुआ है। हैं? कूलर भी लगा हुआ है। कूलर भी लगा हुआ है। अच्छा, तो आप लोग कहाँ से हैं? मैं राजस्थान बाड़मेर। बाड़मेर से आए हो? आप कहाँ से आए हो भाई? आप मध्य प्रदेश से? कहाँ से? मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले से। मंदसौर जिले से आए हो? अच्छा, आप बताइए आपके पिताजी क्या करते हैं भाई? हमारे पिताजी जमीन खरीदने में। अच्छा, प्रॉपर्टी का काम है। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? स्वदेशी प्रचारक। अच्छा, जी काम करते हैं। और सुबह उठते कितने बजे आप? सुबह 5 बजे, 4:30 बजे। और आपको सोते कितने बजे हो? रात में 9:30 तक सो जाते हैं। 9:30 तक सो जाते हैं। अच्छा, तो ये आपको सबको एक वो दी गई है कि आपको रखने के लिए। और भाई वार आपके जो भाई टॉयलेट में गीजर भी लगा हुआ है, इधर नहाने के लिए बाथरूम में गीजर भी है और बढ़िया वाली टाइलें हैं और एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ है, बहुत बढ़िया। आज के दौर के इस गुरुकुल में सुविधाओं की लिस्ट यहीं नहीं रुकती। यहाँ आधे दिन वैदिक शिक्षा दी जाती है तो आधे दिन CBSE पैटर्न पर मॉडर्न शिक्षा। मॉडर्न एजुकेशन की क्लास चल रही है तो चल के देखते हैं कि कैसे एक मॉडर्न एजुकेशन क्लास चलती है। क्लास 5th ईयर है और पहले तो ज़मीन पर देखते हैं कि टाइलें ज़मीन पर लगी हुई हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको फिनिश किया गया है, लेकिन बहुत कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी का यहाँ पर इस्तेमाल। मैम ज़रा बताएंगे ये क्या चीज़ है? ये एडुकॉम्प कंपनी का स्मार्ट बोर्ड है एंड द मेथड वी यूज हियर टू टीच चिल्ड्रन इज कॉल्ड स्मार्ट क्लास। सो विद द हेल्प ऑफ दिस स्मार्ट क्लासेस वी आर, एक तरह का कंप्यूटर ही लग रहा है ये तो। यस यस, दिस इज अ कंप्यूटर ऑपरेटेड डिवाइस। हां, एंड वी हैव, यू सी दिस BenQ इज द प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर। सो दिस प्रोजेक्ट्स व्हाटएवर वी हैव इन द सिस्टम। अच्छा, तो ये क्या टच स्क्रीन है ये सारा का सारा? हां जी, दिस इज ऑल टच स्क्रीन। अब मैं उस जगह की तरफ बढ़ रहा हूं जहां बच्चों का खाना पीना होता है। पीने के पानी की व्यवस्था इससे अच्छी हो ही नहीं सकती। ये खाना खाने की जगह है और ये जगह किसी अच्छे खासे रेस्टोरेंट से कम नहीं लग रही है। बिल्कुल देखिए, जिस तरह का एक रेस्टोरेंट होता है दिल्ली के अंदर, वैसे ही यहाँ बच्चे बैठ के आराम से खा रहे हैं। मैं कह रहा था कि फीस ज़्यादा है, लेकिन बाबा रामदेव कहते हैं कि हम जो ले रहे हैं वो आधा है। बच्चे को हम 1 से 1.5 लीटर के बीच उसको सुबह शाम दूध, छाछ, रायता, दही, पनीर जो भी है हम उपलब्ध करा रहे हैं। 1 लीटर दूध की 50 रुपए कीमत है, जो गाय का शुद्ध दूध है। 1,500 रुपए का दूध हो गया, कम से कम 1,500 रुपए के इन बच्चों के लिए फल हो गए। एक बच्चे का खर्चा बता रहा हूँ और उनके लिए जो एक अच्छे परिवार में जो उनको भोजन मिलता है वैसा उनके लिए 3 समय का खाना, कुल मिला करके
5,000 रुपए से ज्यादा का तो भोजन का खर्चा एक बच्चे का जो हम यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं महीने का 60,000 रुपए का तो खाने का खर्चा हो गया। हाँ। अभी इनके इस बिल्डिंग के लिए हम कोई लैंड बिल्डिंग का नहीं जोड़ रहे हैं। हाँ। फिर इसका जो है मेंटेनेंस, हाँ, जो वहाँ पर आपने स्वच्छता देखी होगी और पूरे बिल्डिंग का जो है लाइट है पानी है उस सब का आप देखिए, और उसके बाद में यहाँ पर जो टीचिंग स्टाफ है हमारे डबल है, वैदिक एजुकेशन देने वाले अलग, मॉडर्न एजुकेशन देने वाले अलग, और सुबह जो आप 5 बजे से इनकी दिनचर्या शुरू होती है और रात को 9 बजे तक, 9 बजे तक जो है इन बच्चों को ऐसे पलकों पर रखते हैं मींस, और इनको संस्कार देते हैं, इनको तब भी करवाते हैं। एक बच्चे के ऊपर हमारा जो कुल खर्चा है वो 20,000 रुपए का खर्चा आएगा, एक महीने का। हाँ, एक बच्चे से जो आज हम ले रहे हैं वो 50% कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं हम उससे। अच्छा। और उसके बाद यदि ये महंगा लगता है मतलब 2.5 लाख के आसपास का खर्चा है। ये तो आप अगले साल जो ऑडिट रिपोर्ट आएगी आप उसमें देख लेना। मेरे मन में जो गुरुकुल की छवि थी बाबा रामदेव का गुरुकुल उससे बहुत अलग है। वैसे पारंपरिक और आधुनिक में फर्क तो होगा ही और होना भी चाहिए। श्री राम जिस त्रेता युग में गुरुकुल की कुटिया में पढ़े उससे कलयुग का गुरुकुल अलग होगा ही। बाबा रामदेव का ये एक नया तरीके का कंसेप्ट भी कहा जा सकता है जहां सुविधाएं हैं कीमत भी। पूरा गुरुकुल घूमने के बाद हरिद्वार से निकलते वक्त दिल्ली के हाईफाई स्कूल याद आए। बाबा रामदेव का गुरुकुल भी ऐसा ही दिखता है। सोचा कि अगर इसको गुरुकुल की नजर से ना देखूं और एक ऐसे बोर्डिंग स्कूल की तरह देखूं जो वैदिक शिक्षा भी देता है तो मैं भी सोचता हूं आप भी सोचिए।